इस वक्त जबलपुर के हम त्रिपुर सुंदरी माई के मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं कि का रूप मनोहर रूप के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। हमारे साथ पंडित ब्रजेश जी भी हैं, पंडित जी से हम जानेंगे। पंडित जी, माई की महिमा अपार है। ये देखिए, फर्स्ट में काली जी जी, बीच में लक्ष्मी जी, यहाँ सरस्वती जी। ये विग्रह जो आप दर्शन कर रहे हैं, ये वैष्णो देवी का जो पिंडी रूप है उसका साकार रूप समझ लीजिए। आप यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, है ना जी? जी, भगवती की प्रतिमा आज से करीबन, एक अनुमान बताएगा तो 5000 वर्ष पुरानी बताते हैं। अब और कितनी और पुरानी ही ये कहना मुश्किल है ना जी? बहन जी, तो यहाँ पे जो है मनोकामना के लिए सभी यहाँ नारियल बांधे जाते हैं, देखिए जी। जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं, यहाँ मनोकामना के नारियल लोग बांध कर जाते हैं और लोगों की मन्नत पूरी होती है। नवरात्र का एक ऐसा समय होता है, यहाँ माई के दर्शन के लिए लाखों की भीड़ लगती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। माता जी के दर्शन खाली मात्र से ही लोगों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं जी। ये मेरा जो अनुभव, 18 साल का अनुभव है जी, ये देखा है मैंने कि लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, ऐसा। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि सदियों पुराना मंदिर है, सदियों पुराना, मूर्ति बहुत पुरानी है। अब ये तो बिल्डिंग अभी बनी हुई है, इसके पीछे 2.5-3 किलोमीटर आप पैदल नर्मदा जी यहाँ से चले जाएंगे, बाकी बाई रोड जाएंगे तो ये 6-7 किलोमीटर आपको पड़ेगा। पंडित जी, ये और मैं जानना चाहूंगी कि मूर्ति की स्थापना की गई थी स्वयंभू? ये तो पहले लेटी हुई थी, पहले माता जी राजा करण जो कलचुरीकालीन 7वीं शताब्दी अगर निकालेंगे तो राजा करण जो थे कलचुरीकालीन, माता रानी उनकी कुल देवी है। अच्छा। इष्ट देवी अलग थी, माता रानी उनके राजमहल में थी। अच्छा। 125,000 दान देने की जो प्रक्रिया थी वो उसकी कहानी यहाँ से जुड़ी हुई है। अच्छा। ये राजमहल ही पूरा दबा हुआ है जी। है ना, आर्कियोलॉजी विभाग खुदाई यहाँ करने नहीं देता है जी। तो इसकी कथा ये है कि राजा करण जो थे 125,000 रोज दान दिया करते थे प्रजा में, किसी भी चीज का भंडारण होता है तो एक दिन हो गया समाप्त। उन्होंने ये मन में सोचा कि अब हम सवेरे फिर क्या बांटेंगे, तो ये मन में सोच के उन्होंने अपनी लीला समाप्त कर लिया, यानी अपन को अपने आप को समाप्त कर लिया। तो उन्होंने एक प्रक्रिया ये की, खूब खोलता कड़ाव गर्म करवाया घी से, और जब वो बहुत खोल गया तो उसमें दूध के माँ के सामने ही अपने आप को समाप्त बलि बलि दे दी। लेकिन माता के अनन्य भक्त तो वो थे ही, है ना, माता का पूजन वो करते थे, माता उनके राजमहल में थी। माता जी ने फिर ये अमृत कलश देख रही है, लाल पीला जो यहाँ पे ये आप सब लोग देख सकते हैं कि ये जो लाल पीला यहाँ पर दिखाई दे रहा है, माता जी ने अमृत कर छिड़का उनके ऊपर जी और उनको पुनर्जीवित कर दिया, है ना जी? जी। और फिर ये प्रक्रिया कैसे चलती रही, जब उनको पुनर्जीवित किया तो जितना घी था वो सोना बन गया। अच्छा। माँ ने कहा तो ये प्रक्रिया रोज किया कर। अच्छा। मैं तेरा भोग करूंगी फिर लेकर तेरे को कुछ दूंगी, ये चलता। तो ये अनंत काल तक ये प्रक्रिया चलती रही, प्रक्रिया चलती थी। तो फिर आपने ये देखा है कि विक्रमादित्य जी अपने राज्य में रात में नहीं रहते थे जी, तो वो यहाँ पे भ्रमण करते हुए आए हैं, फिर माँ से निवेदन किया है कि माँ उनको बहुत तकलीफ होती है। हाँ। आप ये जो मत किया करें, आप एक पुतला बना के डाल दिया करें, फिर ये प्रक्रिया बंद हुई, नहीं तो माँ उनको जीवित भक्षण करते थे, ये वो देवी। तो जैसा कि आपने पंडित जी की कथा को सुना, एक चीज और यहाँ से जुड़ी हुई, जुड़ी तो बहुत सारी चीजें हैं, एक चीज और जुड़ी है जो स्वामी शंकराचार्य जी थे, वो मेरे गुरुदेवों में उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। महाराज जी यहाँ 17 दिन झोपड़ी बना के रहे हैं। फिर माँ ने आदेश किया कि हम जाएंगे नहीं, हमारा नया स्थान आप ये जो ज्योतेश्वर हाँ उसका भ्रंश होते होते ज्योतिष, वो रियल में जुटेश्वर है, वहाँ दो शंकर जी जुटे हुए थे, वहाँ अलग अलग हुए हैं जी। महाराज जी 17 दिन नित्यानंद के साथ हरि का भजन करते थे, माँ को खुश करने के लिए माँ को ले जाने आए थे, जब अंग्रेज थे माँ यहाँ लेती हुई थी, माँ ने आदेश किया फिर ज्योतिश्वर बसे जी, वो एक स्थान मैया जी का दूसरा वो। तो पंडित जी की कथा आपने सुनी, माई से जुड़े बहुत सारी कथाएं हैं, राजा विक्रमादित्य से लेकर भगवान शंकर जी ने 1000 वर्ष खड़े होके त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया, जब सोना चांदी और पीतल की नगरी एक हुई, उसकी भी एक कहानी है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। माँ की महिमा अपरंपार है। पंडित जी ने अभी हमको अभी में कई सारी कथाएं माई से जुड़ी हुई सुना दी, तो यहाँ साक्षात माई विराजमान है। एक बार माई के दर्शन मात्र से ही आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मंदिर जबलपुर के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। Oh.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।